अपने खाना बनाने का एक आनंद बोल दिया, बोलिए। हम लोगों ने अब तक मॉडर्न इंडिया की यात्रा 1498 से शुरू की है, करीब करीब 1500 मानिए तो 15 × 3 = 18, 1857 में करीब करीब 350 साल की यात्रा हम लोग कर चुके, पढ़ चुके, जी चुके, उन क्षणों के साथ हम लोग जी चुके। इतना इतना 350 साल में कोई बहुत अच्छी बात तो हुई नहीं। परंपराओं में कुछ खास बदलाव हुआ नहीं, शोषण के तरीकों में बदलाव हुआ, शोषित में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो करीब करीब अपना भाग्य, राधा दुर्भाग्य मान चुका था कि हम पैदा ही लिए हैं शोषण को सहने के लिए, थक गया था, मरा नहीं था। हिंदुस्तान थक चुका था, मरा हुआ नहीं था। हिंदुस्तान बहुत तरह की बेड़ियों में, सोशल एविल्स कहते हैं, सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ तो था ही। उन बंधनों से बहुत हद तक छुटकारा अब मिल चुका है, कुछ और मिल जाना बाकी है। तो एक बात याद रखने का चीज है कि 1857 की क्रांति तो दिखाई दी, लेकिन 1857 के पहले का हिंदुस्तान भी शांत हिंदुस्तान नहीं था, राइट? 1498 से लेकर के 1500, मानो ना, 1500 मान से फिर 1750 तक, 1498 से 1750 तक कोई खास क्रांति शोषण के विरुद्ध में कोई हुआ नहीं इंडिया में। लेकिन हम इसके पहले तुम लोगों को मेरे ख्याल से लिखा चुके हैं कि 1857 के पहले भी कुछ क्रांतियां हुई, लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं? 1857 के पहले भी कुछ क्रांतियां हुई। 1857 के पहले जो क्रांतियां हुई वो 1750-60 से ही हो रही थी। करीब 100 साल लगा उनको 1857 तक आने में, लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है, राइट? छोड़ो, बंद करो, बंद करो, अब तो लिखा है। 1857 के पहले का हिंदुस्तान एकदम शांत हिंदुस्तान नहीं था। ऐसा नहीं था कि अचानक 1857 हो गया। 1857 के पहले भी क्रांतियां, क्रांति मत कहो उसको, उपद्रव कहो या विरोध कहो, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे थे। वो छिटफुट थे, क्या थे? कहीं वहां हुआ, कभी वहां हुआ, कभी वहां हुआ, संगठित नहीं थे, और राष्ट्रवाद का तो कोई प्रश्न उसमें था ही नहीं। लोकल स्तर पर होते थे आंदोलन, कारण सबका एक ही था, शोषित वर्ग भी एक ही था, शोषण करने वाले भी एक ही थे, और विभिन्न जगहों पर जो विद्रोह होते थे उनको दबाने का तरीका भी एक ही था, और रिजल्ट भी एक ही था। अब घबराना नहीं, हम सब लिखाएंगे, बस समझ में आ गया? कहीं भी हो रहा था विद्रोह, विद्रोह क्यों होता है? असंतोष, असंतोष जहां हुआ उसी जमीन से विद्रोह का, पौधा का जन्म होता है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से असंतोष तो था ही, हम व्यक्त नहीं कर पाते थे, फील करते थे, महसूस करते थे, लेकिन संगठित हम थे नहीं, कमजोर थे। तो कहीं कहीं 5 आदमी 5 गांव मिल करके विद्रोह हुआ, उसको दबा दिया गया। इसलिए जो लोकल था, फोकल था, उसमें कोई बहुत जान नहीं थी, कोई कोई राष्ट्रवाद था नहीं, सिंपल कोई नेता लोकल रहे होंगे, उनको क्रश कर दिया गया। तो छिटफुट जो चिंगारियां, छिटफुट चिंगारियां, विद्रोह की चिंगारियां छिटफुट रूप से जो पूरे हिंदुस्तान में भड़की, उनको दबा भी दिया गया। लेकिन उस राख में भी आग थी, उस राख में भी आग थी। तो समय जैसे 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 आगे बढ़ता गया, तो शोषण होता रहा, हमारे सहने की सीमा, हमारे मीन्स भारतीय, भारतीयों की सहने की भी एक सीमा होती है ना, शोषण करने वाले का सीमा नहीं होता, लेकिन जिस पर शोषण किया जा रहा है उसकी तो एक लिमिट है। जब वो लिमिट क्रॉस कर गया, 1857 हो गया, वो लिमिट कब क्रॉस करता है? आप हमको शोषण कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, हमको न जीने दे रहे हैं न मरने दे रहे हैं। याद करना वर्ड, न हमको जीने दे रहे हैं न मरने दे रहे हैं। हम एकदम फेडअप हो गए, परेशान से तंग आकर के हमने क्या निर्णय लिया कि हम वैसे भी रोज मर ही रहे हैं, डेली डेली हम मर ही रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु हमको इससे मुक्ति दिलाओ, उनके पास भी टाइम नहीं है, वो हमको सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि तुमको मार करके हम मर जाएंगे। ये जब मरने मारने का प्रवृत्ति जबकि उपजा, 1857 हो गया, समझ गए, क्लियर। अब इसको लिखिए, लिखिए इसको। चौदह सौ अंठानवे से ही यूरोपीय शक्तियों का व्यापारियों के रूप में समय समय पर भारतवर्ष में आना प्रारंभ हो गया था। उनके आने के पहले से ही उनके आने के पहले से ही यहां अरब से व्यापारी आ चुके थे और व्यापार करना करना नहीं और व्यापार चल रहा जब यूरोपियन जब यूरोप के देशों से जब यूरोप के देशों से
समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापारी वर्ग आने लगा तो उन सभी को दो तरह की प्रतिरोधों या विरोधों का सामना करना पड़ा। पहला अरब व्यापारियों से, अरब से आए हुए लिख दो अच्छा लगेगा, अरब से आए हुए व्यापारियों से। दूसरा उनके आपसी संघर्ष, यानी विभिन्न देशों के व्यापारी आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे, अंत में सबको हराकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने को स्थापित कर लिया। यहां एक वर्ड यह भी कह सकते हैं, एक शब्द यह भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और भगाया। फुल स्टॉप कीजिए, फुल स्टॉप करो और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, अपने कलम को विराम दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। एक विदेशी कंपनी, रादर विभिन्न समय पर विभिन्न देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आए और उनको समय समय पर अरबों से सामना हुआ। प्रतिरोध नंबर एक, दूसरा आपस में, पुर्तगाली है डच से लड़ गए, डच है फ्रांसीसी से लड़ गए, फ्रांसीसी है इंग्लैंड से लड़ गए, आपसी प्रद्वंद्वता। और तीसरा दो तो हो गया, हमारे घर में वो आए तो पराए थे, उनके लिए सब कुछ अनजान था, तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट देशों से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनियां आई तो उनकी लड़ाई शुरू हो गई अरबों से, फिर आपस में लड़ाई शुरू हो गई। घर तो मेरा था, व्हाट अबाउट इंडियंस,
है ना? अच्छा प्रश्न, मेरे घर में आए, हिंदुस्तान में आए, अरबों से लड़ गए, लड़ना पड़ा वर्चस्व के लिए, फ्रांसीसियों से अंग्रेजों की लड़ाई हो गई, सबको हरा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टॉप मोस्ट पर पहुंच गई। व्हाट अबाउट इंडियंस? भारतीय क्या कर रहे थे? अथाह संपदा, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, हम लोग क्या कर रहे थे? क्वेश्चन को सिंपल बनाता हूं। बाहर से आए हुए व्यापारियों के लिए भारतीयों का क्या प्रतिरोध था? बात समझ आ गया? बात समझ आया कि नहीं? हाँ, क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझी कि नहीं? है क्या समझी? लड़ते रहे, हम लोग क्या कर रहे थे? क्वेश्चन इज दिस, वो लोग तो आए आपस में लड़े, यहां तो बात समझ में आई, हम लोग क्या कर रहे थे? बट व्हाट अबाउट इंडियंस? वो बढ़िया प्रश्न है कि नहीं? हमारे घर में आए, घर मेरा है, आप सभी व्यापारी हो, कुर्सी टेबल और टेलीफोन और लट्टा पत्ता के लिए लड़ाई हो रहा है, हम क्या कर रहे थे? मकान मेरा ना है जी, हिंदुस्तान मेरा है ना, हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन को और सिंपल करेंगे, भारतीयों ने कोई प्रतिरोध, अवरोध या विरोध किसी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने प्रस्तुत किया या नहीं? इंडियंस ने विरोध प्रकट किया या नहीं? ये क्वेश्चन सिविल सर्विस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही सिविल सर्विस का है। यस और नो? जेपी क्या क्या आए कहाँ? बैठ जाइए, बैठ जाओ, समय बर्बाद होगा। ये बहुत ही दुखद आश्चर्य है कि हिंदुस्तान का कोई भी प्रतिनिधि उनका विरोध नहीं किया, है ना? अचंभा वाला बात, इतना बड़ा देश, सोने कर रहे, दूध की नदी बह रही है, सोने की चिड़िया कहा गया, वो आके लूट रहा है, मालूम हो रहा है कि लूट रहा है, फिर भी हमने कोई प्रतिरोध प्रस्तुत? वो आपस में लड़ते रहे, तब भी हमको ज्ञान नहीं आया कि आखिर अपना देश छोड़ के ब्रिटेन आया, अपना देश छोड़ के फ्रांस आया, ये लड़ क्यों रहा है? वो लड़ रहा था अपने वर्चस्व के लिए, यहां का संपत्ति तुम मत लूटो, हम लोग बांट के नहीं लूटेंगे, हम अकेले लूटेंगे। क्लियर क्लियर, इसको लिखिए। बहुत मामूली था वो प्रतिरोध, नहीं कहे प्रतिरोध, मैंने कि इसे रोक दिया और
जी जान मरने मरने पर, वैसा नहीं हुआ था, वो रेसिस्टेंस था। हाँ, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं, हम कहते हैं अपोजिशन, दोनों में अंतर है कि नहीं? रेसिस्ट करना, अपोज करना, है ना। लिखो क्या लिखी हो, लास्ट लास्ट लाइन बोलो। हराया बड़े ही, नेक्स्ट पैराग्राफ, बड़े ही दुखद आश्चर्य की बात है, बड़े ही दुखद आश्चर्य की बात है कि जिस देश में दूध की नदियां बहती थी, कौमा, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश के देशवासियों को यह क्यों नहीं समझ में आया उस वक्त, उस समय, यह क्यों नहीं समझ में आया कि आखिर ये आपस में, किस वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? आखिर ये आपस में किस वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो लड़ाई थी लूटने धन संपदा, अकूत धन संपदा, को अकेले लूटने के वर्चस्व की लड़ाई, नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर जोरदार विरोध, कौमा, मर मिटने वाला विरोध अपने अस्तित्व और अस्मिता को बचाने का विरोध, अपने अस्तित्व और अस्मिता, एग्जिस्टेंस को बचाने का विरोध संपूर्ण शक्ति लगाकर मरने मारने पर उतारू होकर उस समय के हिंदुस्तान ने किया होता, तो इतिहास कुछ दूसरा ही होता। क्लियर, बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, हुआ या कि हमने बहुत तरजीह नहीं दी, उर्दू शब्द है तरजीह, इसका हिंदी क्या होगा, महत्व,
लिख लो, तरजीह के बगल में महत्व लिख लो, बहुत महत्व तो नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि 1498 से 1947 तक करीब 450 वर्षों, करीब 450 वर्षों की अंधेरी गुफा में भारत प्रवेश कर गया। और इसके साथ साथ आर्थिक, मानसिक गुलामी में भी धीरे धीरे भारत जकड़ता चला गया। यहां ध्यान देने योग्य एक बात और है, कि धार्मिक समाज, सामाजिक रूढ़ी रिवाजों कौमा कुरीतियों की बेड़ियों में भारत तो पहले से ही जकड़ा हुआ था ही। सौभाग्य है कि अब धीरे धीरे वो कुरीतियां काफी हद तक दूर हो चुकी हैं, कौमा उन बेड़ियों को समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर तोड़ने में सफलता पाई है। परंतु अभी भी बहुत कुछ करना और होना बाकी ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इधर उधर न भटकते हुए अब हम सीधे मूल बिंदु पर आते हैं। मूल बिंदु मतलब 1857 की क्रांति। इसकी पृष्ठभूमि, की चर्चा हम कर चुके हैं।
थोड़ा सा और थोड़ी सी चर्चा और व्यापक रूप से कर लेने में और समझ लेने में कोई बुराई तो नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्रमशः कॉमा धीरे धीरे परंतु निरंतर यानी लगातार हम कैसे समर्पण करते चले गए इस पर भी दृष्टि डालना कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वो आए थे व्यापार करने और भारत पर शासन करने लगे। फुल स्टॉप। ये सोच के वो आए ही नहीं थे उनका यह सोच कैसे विकसित हुआ और कैसे भारत उनकी मुट्ठी में जकड़ता चला गया, इस यात्रा पर एक निगाह डालते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो भी व्यापारी वर्ग आया वो आते ही पहले तो स्थानीय राजा या नवाब से अनुमति पाकर ही व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे उन लोगों ने फैक्ट्री कारखाना बनाने की इजाजत मांगी। उनको मिला और बनाया। उसके बाद उसमें कर्मचारी काम करने लगे, कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था के लिए उन्होंने सेटलमेंट
SETTLEMENT, सेटलमेंट हिंदी में आवास, बनाने की अनुमति मांगी और बनाया। कॉमा उन सेटलमेंट्स की सुरक्षा के नाम पर चार दीवारी बना दी गई, बाउंड्री, जिसकी बाद में अनुमति से ही किलेबंदी कर दी गई। अब उसमें पहरेदार रखे जाने लगे, और उसके साथ ही साथ वो अस्त्र शस्त्र भी जमा करने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, उपरोक्त सारे कार्यों को करने में अच्छा खासा समय लगा होगा। इस बीच उन लोगों ने स्थानीय लोगों से नजदीकी संबंध बना लिया और उनकी आपस में शादियां भी होने लगी। अब देखिए, इसको लिखो, बहुत ब्यूटीफुल ये फ्लो है। अब देखिए, वो आए थे मेहमान बनकर, कॉमा, बिना बुलाए मेहमान बनकर, और अब उनका प्रवेश हमारी निजी जिंदगी में भी होने लगा। और तब उन्होंने हमको समझना शुरू किया। फुल स्टॉप। मतलब हमारी कमजोरियों को जानना शुरू किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब देशवासियों को भड़काना शुरू किया। और धीरे धीरे
व्यापार के साथ साथ वो हम पर शासन भी करने लगे। जिसके लिए उन्होंने जगह 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 अपना प्रतिनिधि डैश रेजिडेंट के रूप में रखना शुरू किया। जिसका कारण था, जिसका काम था गवर्नर जनरल को राज्य की रिपोर्ट भेजना, प्रजा में असंतोष फैलाया उन्होंने, और वो असंतोष उनकी देन थी। फिर भी इसका दोष मढ़ा गया स्थानीय शासक पर। और इस तरह वो हमारे भाग्य विधाता बन बैठे। और अपने मन के मुताबिक विभिन्न समय पर विभिन्न नवाबों और नवाबों से एग्रीमेंट या संधि अपनी शर्तों पर अपने फायदे के लिए कराते रहे। अब हिंदुस्तान पूरी तरह उनके चंगुल में जकड़ चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से लिखोगे, जो हम बोलेंगे उसको लाल, जैसे ही बोलेंगे लाल बंद कर हटा देना। फिर भी लाल हटाओ। फिर भी 1750 के आसपास से ही 1750 के आसपास से ही विभिन्न स्थानों पर विद्रोह, छिटपुट विद्रोह होना प्रारंभ हो गए थे। यानी 1857 के करीब 90 साल पहले, 1857 के करीब 90 साल पहले से ही हिंदुस्तान अपने को असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, परंतु पूरी तरह से
अपने असंतोष को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। और उस समय तक राष्ट्रवाद का कोई नाम अच्छी तरीके से न सुना था, न जानता था, न ये भावना पनपी थी। न सुना था, न जाना था और न ये भावना पनपी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1857 के पहले करीब 20-22 विद्रोह भारत में हुए और करीब 70-80 वर्षों के भीतर उन सब विद्रोहों का कारण था असंतोष, ब्रिटिश सरकार असंतोष उनकी नीतियों के विरुद्ध में, निवारण कुछ भी नहीं था। शोषक थे विदेशी और शोषित था भारत का समाज और सबकी परिणति, सारे विद्रोहों की परिणति, रिजल्ट थी डैश क्रूरता से उनको कुचल दिया गया। ये सारी चिंगारियां समय समय पर सुलगती रही। बुझाई जाती रही, देखने में वो राख जैसी लगी, परंतु वास्तव में उनके अंदर अभी भी कुछ आग बाकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ लाल से वो विद्रोह जो 1857 के पहले हुए, उन सभी को हम निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, असैनिक विद्रोह, दूसरा सैनिक विद्रोह,
दूसरा सैनिक विद्रोह, तीसरा किसान विद्रोह, और चौथा आदिवासी विद्रोह। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन सभी विद्रोहों की चिंगारियों ने, इन सभी विद्रोहियों की विद्रोहों लाल से लाल से लाल से इन सभी विद्रोहों की चिंगारियों ने बढ़ते असंतोष और दमन के कारण, बढ़ते असंतोष और क्रूर दमन के कारण अंततः एक ज्वाला का रूप ले लिया, एक ज्वाला का रूप ले लिया और वह ज्वाला थी, और वह ज्वाला थी डैश 1857 की क्रांति। अब आप अपने अपने पेन को, अपने अपने पेन को, हाथ को थोड़ा सा आराम दो। करीब एक घंटे से हम लोग लिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। कितने लोग इस यात्रा को समझ गए? कोई नहीं समझा, एक आदमी समझा है। मैंने इतनी सरल भाषा में जान के लिखाया है पृष्ठभूमि, तुम लोग नहीं समझी हो, हाथ उठाने का ताकत नहीं है। अगर आप नहीं समझे तो फिर एक घंटा हम बोलेंगे, घबराइए नहीं, थक जाइएगा लिखते लिखते आप। मैं जानना चाहता हूं कि 1498 में आया था व्यापार करने, 1857 में हुआ संग्राम, इस याद अभी तो 1857 का आगे का बात दूसरा है। आप इस यात्रा को समझ पाए कि नहीं? मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा दिया है, क्रमशः धीरे 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 आप समझ गए होंगे। अब आगे लिखिए। अब हम लोग इन कर रहे हैं 1857 में, ये उसकी पृष्ठभूमि में हम लोग इन करेंगे। अब एक इतिहासकार सुंदरलाल ने लिखा है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति वास्तव में हिंदू और मुसलमान नरेशों और भारतीय जनता दोनों की ओर से देश को विदेशियों की राजनीतिक अधीनता से मुक्त कराने की एक जबरदस्त कोशिश थी। अगर
अगर हम आपसे ये पूछें, ध्यान से सुनिए, अगर आपसे हम ये पूछें कि देख, हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड डलहौजी का 1857 की क्रांति में कोई योगदान था कि नहीं, आंसर है यस और नो। आप लोग बोलते कम हो, इसका मानने है कि लिखने के बाद घर में पढ़ते बिल्कुल नहीं हो। हम जो पूछे तो जवाब दीजिए कि लॉर्ड डलहौजी का 1857 की क्रांति में योगदान था कि नहीं। हाथ उठाना, हाथ तो उठाना है। जो हाथ नहीं उठाए इस माने कि आपको नहीं पता है। कोई बच्चा हाथ नहीं उठा रहा है। हाँ, वेरी गुड। मेरे हिसाब से अगर लॉर्ड डलहौजी के जगह पर दूसरा कोई आया होता, या लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनी विभिन्न नीतियों को छोड़ दीजिए, खाली हड़प नीति का आविष्कार अगर दिमाग में नहीं किया होता, तो शायद 1857 नहीं हुआ होता। होता तो और आगे जाता। जो हिंदुस्तान 300 साल से सोया हुआ था वो 50-100 साल तक और सोता, राइट? तो लॉर्ड डलहौजी का योगदान अगर पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी का पॉजिटिव योगदान बताइए भारत में, हाँ अगर पूछा जाए तो राधा लॉर्ड डलहौजी का मूल्यांकन, क्या लॉर्ड डलहौजी का मूल्यांकन तुम तो जवाब देती हो? बैठ जाओ। इनके अनुसार है, इनका कहना सही है, रेलगाड़ी चलवाया, टेलीग्राफ चलवाया, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट चलवाया, क्या उसने भारतीयों के हितों के लिए काम किया था? तो फिर उसका अच्छा काम कैसे हुआ? इंडिया ने लाभ ले लिया, देने को उसकी मंशा नहीं थी। अब बाद में मेरे ख्याल से लॉर्ड डलहौजी की आत्मा को, या जब तक वो इंग्लैंड गया हो तो वहां भी डांट खाता होगी, तुम क्या कर दिया? जो विद्रोह होता था मद्रास में कौन जानता था बिहार में? जो होता था मुल्तान में कौन जानता था बंगाल में? ये तो टेलीग्राफ लगा दिया, फोन लगा दिया, रेल लगा दिया, सब लगा ही दिया। तुम तो हम लोग का काम और मटिया मेट करके आया। तो इसको लिखिए थोड़ा सा। अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो 1857 की क्रांति को आने और लाने में लॉर्ड डलहौजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। पहला उनकी हड़प नीति, उनकी हड़प नीति से
वो ध्यान से लिखना, उनकी हड़प नीति से राजा और नरेश, राजा और नवाब, यानी समाज का एक उच्च वर्ग भी असंतुष्ट हो गया। अब तक यह था कि असंतोष प्रजा तक ही सीमित था। बहुत ध्यान से लिखिएगा, लाल से लिखो इसको, हाँ लाल से लिखो। अब तक असंतोष प्रजा तक ही सीमित था, अब राजा और प्रजा दोनों ही असंतुष्ट हो गए। यह बहुत ही घातक हो गया, घातक हो गया। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे टेलीग्राफ वगैरह योजनाएं चलाई, जिससे सूचना तंत्र बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो चला। पहले पहले कोई सिस्टम था ही नहीं, तो फिर कहां क्या हो रहा है, यह तो जानना संभव था ही नहीं, और भविष्य की क्या योजना है, भविष्य की क्या योजना है, यह तो किसी को बताने का तरीका उस समय था ही नहीं। लॉर्ड डलहौजी की इन दोनों नीतियों ने दोनों नीतियों के द्वारा उसने अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी। और जो क्रांति उसके जाते जाते ही खड़ी हो गई भारत में, उसके जाते जाते ही भारत में अचानक आ खड़ी हुई, उसके आने में हो सकता था कि और ज्यादा समय लगता, नेक्स्ट पैराग्राफ।
1757 में पलासी के युद्ध के पश्चात विजय श्री प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी राज्य की शुरुआत की थी। सन 1806 ईस्वी में वेल्लूर का सैनिक उपद्रव अठारह सौ आठ दस नौ में सैनिक अधिकारियों का तमिलनाडु में विरोध, और कलकत्ता के पास बैरकपुर में सैनिकों का विद्रोह, अंग्रेजों की अनीति, अनाचार, दमन और शोषण के खिलाफ दिखाई पड़ा था नेक्स्ट पैराग्राफ। वास्तव में ये सभी सैनिक विद्रोह अपनी व्यक्तिगत असुविधाओं और निजी हितों की रक्षा के लिए थे अब लाल से लिखो उनका देश के व्यापक असंतोष से कोई संबंध नहीं था। ये हम लोग पृष्ठभूमि, हम लोग बैकग्राउंड, हम लोग 100% बहुत अच्छी तरीका से लिख चुके, पढ़ चुके। 1857 का क्रांति का बैकग्राउंड क्या था, हम लोग 400 साल का कंप्लीट कर लिए। हम लोग अब एक्चुअली इन कर रहे हैं 1857 में। एक हेडिंग दीजिए लाल से, 1857 की क्रांति का स्वरूप, 1857 की क्रांति का स्वरूप। विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों में
1857 की क्रांति के बारे में विचारों का मतभेद रहा है, विचारों का मतभेद रहा है। पहला पहला अंग्रेजों ने इस संग्राम को पूरी तरह से सिपाही विद्रोह कहा है। जैसे कि जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यह मात्र एक सैनिक विद्रोह था। दूसरा सेकंड, अब लाल से लिखो और जॉन लॉरेंस को ऊपर लिखी हो उसको अंडरलाइन करो, लाल से अंडरलाइन करो, जॉन लॉरेंस को अंडरलाइन करो लाल से। आगे भी जो जो हम नाम बोलेंगे इतिहासकार का उसको लाल से लिखना। सर जॉन सीले, अब लाल हटा दो, लाल हटा दो। जॉन सीले ने लिखा है यह विद्रोह पूरी तरह से देश विरोधी सिपाहियों का विद्रोह था। जिसका न तो कोई राष्ट्रीय नेतृत्व था, न तो कोई राष्ट्रीय नेतृत्व था और न ही उसे जन समर्थन प्राप्त था। तीसरा तीसरा लाल से लिखो, तीसरा लाल से लिखो, पी ई रॉबर्ट्स ने लिखा कि यह एक सैनिक क्रांति थी। जिसका तत्कालीन कारण कारतूस वाली घटना थी। इसका किसी खड़यंत्र से कोई मतलब नहीं था। किसी खड़यंत्र से कोई संबंध नहीं था। चौथा विंसेंट स्मिथ, अब लाल हटा देना, विंसेंट स्मिथ ने लिखा है यह पूर्ण रूप से और मुख्य रूप से बंगाल की सेना द्वारा की गई क्रांति थी। किंतु
यह एक सैनिक क्रांति थी, पर वहीं तक सीमित नहीं रही। अब लाल से लिखो, और शीघ्र ही इसका प्रसार, शीघ्र ही इसका प्रसार जनता तक हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो विद्वान इसको सैनिक क्रांति मानते हैं, इसको मात्र केवल जो विद्वान इसको केवल सैनिक क्रांति मानते हैं, वो निम्नलिखित तर्क देते हैं। वो निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला, यह क्रांति असंतुष्ट सैनिकों द्वारा की गई थी। दूसरा, यह क्रांति किसी संगठित योजना का परिणाम नहीं थी। तीसरा, इस क्रांति को ब्रिटिश सरकार ने सरलता पूर्वक दबा दिया था। अब हटाओ उसको, कितना हो गया, कितना अंग्रेज का हो गया, कितना अंग्रेज का है, कितना अंग्रेज का है? 1 2 3 4 कै गो है? 3 गो। अब लाल से लिखो, इसके विपरीत, लाल से, इसके विपरीत, अब लाल हटाओ, वीर सावरकर इसको लाल सही लिखो, लाल सही लिखो, वीर सावरकर और अशोक मेहता, लाल से लिखते जाओ, वीर सावरकर और अशोक मेहता ने लिखा है कि यह संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। फिर हटाइए, फिर लाल से लिखिए, इसके विरुद्ध, अब देखिए ध्यान से, हम लोग सुने, एक मिनट रुक जाते हैं लोग। 1857 की क्रांति पर 3 व्यू आए, हम लोग 2 व्यू लिख चुके। पहला व्यू कि टोटली ये, यह टोटली, अब बच्चा बच्चा से पूछा, बच्चा से पूछा। ठीक है, बैठो बैठो। हाँ।
तो तीन तरह का एक तरह से मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। 1857 की क्रांति को तीन तरह से हम लोग पढ़ चुके। पहला क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि ये टोटली सिपाही विद्रोह था। हम लोग दो तीन अंग्रेज का लिख चुके। कुछ इंडियंस ने कहा, दो ही लिखे हैं, कि ये टोटली 100% इंडिया का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हो गया क्लियर। अब तीसरा व्यू लिखिए, थर्ड व्यू क्या है। थर्ड व्यू, इसके विरुद्ध डॉक्टर रमेश चंद मजूमदार, और डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन, और रमेश चंद मजूमदार, ने लिखा है कि यह संग्राम न तो केवल सिपाही विद्रोह था, और न ही यह पूर्णतया राष्ट्रीय आंदोलन था। वास्तव में यह सिपाही विद्रोह से अधिक और राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ कम था। नेक्स्ट पैराग्राफ, यद्यपि इसका प्रारंभ धार्मिक मनोभावनाओं के संग्रह के रूप में हुआ था, परंतु वास्तव में क्रांतिकारी विदेशी सरकार से मुक्त होना चाहते थे और पुरानी व्यवस्था लाना चाहते थे, जिसका अध्यक्ष दिल्ली का बादशाह था। कितना पॉइंट हुआ है, तीन हुआ है अंग्रेज वाला और दो हुआ है इधर, पांच हुआ है ना, छठा पांचवा हुआ है, चार कैसे, वीर सावरकर अशोक मेहता दू को मानो, पांच हुआ है ना, छठा। जस्टिस मैकार्थी के अनुसार यह युद्ध एक राष्ट्रीय और धार्मिक युद्ध था। इस संबंध में
इस संबंध में उनके द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। जस्टिस मैकार्थी अपने सपोर्ट में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, क्रांति में लाल से क्रांति में हिंदू मुसलमान दोनों बिना किसी सांप्रदायिक भावना के सम्मिलित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंदू मुसलमान दोनों बिना किसी सांप्रदायिक भावना के सम्मिलित हुए थे। दूसरा, क्रांति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेना में लाल कमल का फूल घुमाया गया था। तीसरा, मुगल सम्राट बहादुर शाह ने लिखा है कि मेरी हार्दिक इच्छा है, कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को भारत से निकाला जाए और भारत को स्वतंत्र किया जाए। अब नीचे लिखिए, उसको छोड़ के नीचे लिखो लाल से ही, यह क्रांति राष्ट्रीय उद्देश्य की दृष्टि से हुई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उद्देश्य की से हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अच्छा ये होगा जिस जिस क्लास में हम लोगों का ये शेड्यूल है यहाँ का, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरी टीचर, एवरी फैकल्टी, एक शेड्यूल हम लोग बनाए हुए हैं। डायरेक्टर साहब का आदेश निर्देश है, वो जो भी सोचते हैं तुम लोगों के भले के लिए सोचते हैं। उनका आदेश निर्देश ये है कि सर जो अगला क्लास पढ़ाया जाए, हम जब बोले तो मरमरिंग छोड़ दो, हम जब बोलना शुरू करें तो ये मत समझो कि कुछ तुम आपस में खाली पानी पी सकते हो, पानी पियो तो बहुत सब गिर जाओगे, खाली पानी अलाउ है, पानी हम नहीं बोले पानी पिएगा तो, इसलिए कि पानी गर्मी है, नहीं पानी पियोगे सुनते रहोगे फेंका जाओगे, बेहोश होकर गिर जाओगे। इसलिए पानी के अलावा पानी बोतल का आदान प्रदान कर सकते हो, उतना अलाउ है, लेकिन बाकी सुनो कि हम लोगों को कहा गया है कि अगला क्लास जो सर लेंगे तो क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तुम लोगों के फायदे के लिए है कि अगला क्लास जो भी टीचर लेंगे वो बता देंगे कि अगला क्लास क्या होगा। आपका जिम्मा बनता है कि आप उसको पढ़ करके आइए, समझ में आए, नहीं समझ में आए, कम समझ में आए, उसके लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए, हम लोग बैठे हुए काहे के लिए हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ करके आएंगे उसी चीज को हम अपनी तरह से बोलेंगे तो आप समझोगे बहुत बढ़िया से।
आपका रिवीजन हो गया ना, आप तो कहीं से पढ़ के आओगे, किसी किताब से पढ़ के आओगे, कहीं से पढ़ के आओगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बात तो मैटर तो बराबर है ना। तो आप अगर पढ़ करके आओगे, तुम लोग पढ़ करके आओगे तो निश्चित तौर पर तुमको अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर, अच्छा महसूस हुआ कह रहे ये तो जो हम पढ़ के आए उसी का रिपीटेशन हो रहा है। तो अगला क्लास हम लोग जब भी लेंगे मंडे को होगा, तो हम लोग अब चलेंगे क्या, एक हेडिंग दे ही दो तो उसे तुमको याद रहेगा, सन 1857 की क्रांति, सन 1857 की क्रांति ऑब्लिग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण पहले हेडिंग दीजिए, राजनैतिक कारण, दूसरा हेडिंग दो आर्थिक कारण, और तीसरा हेडिंग दो सामाजिक और धार्मिक कारण, और चौथा हेडिंग दो सैनिक कारण। चार हेडिंग में, एवरी हेडिंग्स में कम से कम चार पॉइंट पर हम लोगों को डील करना है, तो चर्चों का 16 बहुत ज्यादा नहीं है। आप जब आओगे तो दो काम करना, जब भी आप क्लास करने आओ, नॉट ओनली इन माई क्लास, किसी क्लास में करके आओ, तो जिस दिन आप क्लास करने आ रहे उस दिन का बात कर रहे हैं, जिस दिन आप क्लास करने आ रहे उस दिन एक काम क्या करो, पहला बात तो ये, तो सवेरे क्लास शुरू होते 7 बजे, घर से चलते हो क्या बजे, 6 बजे, 6:15, 6, इसलिए उस दिन तो जो हम कह रहे हो कहना संभव, वो करना संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। तो अगर कल क्लास है सुबह में, आज रात में आप रिवाइज कर लोगे दो चीज, जो हम पढ़ा चुके हैं ये कर लोगे, और जो करना है वो कर लोगे, जमाई कम लो, जमाई ले रहा है इसका दो माने है, रात में वो पट्टा जगा है बहुत देर तक, और दूसरा कि उसको मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और तीसरा समझ में नहीं आ रहा है। यही तीन कारण से जमाई आता है क्लास, हमको जमाई आ रहा है, इनको आ रहा है, 99% कहाँ कौन 50 सूत रहा है, जब हाई लेना माने ओ हो जब सोते जरा सा आराम करते, जब हाई लेने का मन यही है कि ओ हो घेर दे 2 घंटा थोड़ा कैसे 6 बजे काम करने की कोई व्यवस्था यहाँ कोचिंग है नहीं, ये व्यवस्था खाली पढ़ने का है, यहाँ पढ़िए चाहे तो वहां पढ़िए लाइब्रेरी में, थैंक यू।